जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुँचती रहें। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है कि सत्संग सुनने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। गुरु जी इसलिए बार बार कहते हैं ना कि सत्संग सुनाने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। जो सत्संग सुना रहे हैं उसको तो ब्लैसिंग्स मिलती ही मिलती हैं और जो सत्संग सुन रहा है उसको भी ब्लैसिंग मिलती हैं। दोनों तरफ ब्लैसिंग्स मिलती हैं। इसका एक बहुत प्यारा सा और सुंदर सा उदाहरण है आज का सत्संग जो आप अभी सुनेंगे। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ही प्यारी और लाडली बिटिया है। बहुत प्यारी लाडली बिटिया, बहुत ब्लेस्ड बच्ची है ये गुरु जी की। नासिक से ज्योति आंटी जी, हाँ जी, नासिक से ज्योति आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया है। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। गुरु जी उनको हमेशा ब्लेस करते रहे, उनके परिवार को हमेशा ब्लेस करते रहे। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं ज्योति आंटी नासिक से जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी से, मैं और मेरा परिवार अगस्त 2022 से हम जुड़े हैं गुरु जी से। मेरे घर में बस मेरी मम्मी और मैं और मेरे पापा जी मानते हैं गुरु जी को। मेरे हस्बैंड विश्वास नहीं करते हैं, पर चमत्कार गुरु जी ने दिखा दिया। हम जो अगस्त में बहुत बारिश हो रही थी और हम सब निकले, चलो पहले दिन पहली बार ही जाना है, गुरु जी के दर्शन करने ही है, सब आगे अच्छा ही होगा, प्रॉब्लम सब ठीक होगी। तो हम सब निकले ट्रेन से, हम नासिक रहते हैं तो गोरेगांव हम ट्रेन से जाते हैं। तो हमने बैग पैक की, मैंने उसमें ब्रेकफास्ट रखा, सुबह 7 बजे की ट्रेन होती है यहाँ से हमारी, और मैंने छतरी रखी क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी उन दिनों। और मैं हम ऑटो से घर से स्टेशन तक गए, ऑटो से हम चारों उतरे, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा जी और मेरे हस्बैंड। और मैंने वो जो बैग था जिसमें अम्ब्रेला थी और ब्रेकफास्ट था, पानी बॉटल था, वो ऑटो में ही मैं भूल गई। अब हम टेंशन में आ गए कि ऑटो तो है, ऑटो वाला पहचान का था तो बैग हमें शाम तक मिल गई वापस, लेकिन और हम भूखे रह गए। हम फिर पहुंचे दादर तक, दादर जाके हमने फिर सिद्धिविनायक के दर्शन किए, क्योंकि गोरेगांव मंदिर जो है गुरु जी का वो 3 बजे से खुलता है। तो हम पहले सिद्धिविनायक गए, वहां दर्शन किए, फिर वहां पे हमने खाना खाया, फिर हम गुरु जी के दर्शन के लिए निकले। हम गए, अच्छे से दर्शन हुए, लंगर प्रसाद खाया और घर भी बहुत अच्छे से आ गए। और मैं पूरे रास्ते बॉम्बे, नासिक से बॉम्बे जाने तक प्रेयर कर रही थी, गुरु जी मेरे वजह से मेरी मम्मी जी, पापा जी और हस्बैंड जी भीग ना जाए बारिश में और हमें तकलीफ होगी। अब गुरु जी ने इतना अच्छे से मेरी सुनी, पूरा दिन धूप ही धूप रही और बारिश हुई ही नहीं। हम अच्छे से गए, दर्शन किए और अच्छे से घूम के और लंगर प्रसाद अच्छे से खा के घर पहुंचे, अच्छे से पहुंच गए। तो मैं गुरु जी को शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे ये पहला सत्संग है, मुझसे कुछ भी गलत शब्द निकल गए तो मुझे क्षमा करना गुरु जी। मैं अपने घर में अकेली बेटी हूँ, मैं जब बॉर्न हुई जब से बहुत बीमार हूँ, मेरी मम्मी भी बहुत बीमार है। ऐसी तकलीफ होती है जो दिखती नहीं है पर हमें होती रहती है तकलीफें। हम जाने दूर दूर बहुत जगह गए पर ये तकलीफ निकलती ही नहीं है। आज मुझे सुबह 8 बजे से बहुत तकलीफ हो रही थी, मैंने गुरु जी का जल प्रसाद पिया,
बहुत ज्यादा पिया। उसके बाद मैंने सत्संग सुना गुरु जी का। मैं सत्संग सुनते ही तकलीफ मेरी बहुत कम हो गई। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे हस्बैंड जो है ये सब पंडित जी को मानते हैं ज्यादा, पर जो गुरु जी होते हैं वो विश्वास नहीं करते, आश्रम वगैरह जाना ये सब। लेकिन गुरु जी ने उनको भी सपने में आके दर्शन दिए। गुरु जी ने उन्हें बोला कि तुम मेरी स्वरूप को फ्रेम करके अपने घर में रखो। शिव जी के रूप में दर्शन दिए गुरु जी ने उनको। तब से मैंने शिव गुरु जी की फोटो, सॉरी फोटो नहीं बोलना चाहिए, गुरु जी की स्वरूप अपने घर में फ्रेम करके रखी है। और मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, लख लख शुक्राना। गुरु जी आप मेरे साथ रहते हो, आप मेरी सुनते हो, आप मेरा तकलीफें दूर करते हो। जय गुरु जी। फिर से बोलती हूँ एक बार, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझसे जो भी कुछ गलत शब्द निकल गए होंगे मुझे माफ करना, क्षमा करना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।